अभी रात के 12 बज रहे हैं। सिद्धांत के लिए मैंने एक छोटा सा पेस्ट्री ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं वो बड़ी वाले केक लाके घर पे रख रख के उसे ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस एक छोटा सा पेस्ट्री ही ऑर्डर कर लिया था। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, मम्मी पापा सिद्धांत किसी को भी आइडिया नहीं था। छोटू और मैंने प्लान किया था इस बारे में, तो ये छोटा सा केक हमारा हो भी गया सबका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रही है सुबह के 7:30 और मैं उठ के नहा के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज है सिद्धांत का बर्थडे, मुझे पूजा भी करना है, उसके लिए थोड़ा प्रसाद भी बनाना है, तो इन सब के लिए मैं थोड़ा जल्दी रेडी हो गई हूँ। तो सिद्धांत को तो बाद में उठाऊंगी, क्योंकि उसका तो अभी कुछ काम भी नहीं है, उसका थोड़ा नींद कंप्लीट हो जाए, कल शायद लेट नाइट तक हम लोग जाग रहे थे इसलिए। तो चलिए पहले हम प्रसाद वगैरह बना लेते हैं, फिर उसको उठाएंगे। अभी भोग हो गया है हमारा प्रिपरेशन, और मैंने खीर वगैरह बना लिया और मम्मी शायद कुछ पीठा वगैरह बना रही है, तो बस पीठा हो जाए फिर हम लोग भोग लगाएंगे। और हमारे महाराज अभी अभी उठे हैं, उठो। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उठ गया है वो, मतलब अभी अभी बहुत बुलाने के बाद उठा है बेचारा। ठीक है, तो वो रेडी हो जाए फिर हम लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बहुत काम है आज। से मिलवा देती हूँ, ये पिछले साल पापा के बर्थडे पे आया था पापा का गिफ्ट, आज इतना बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी ना, हाँ इतनी बड़ी हो गई है। मीनू हेलो बोल दो। हेलो। हम सब आज नहा धो के रेडी हो गए, मम्मी मैं सब, बस यही इंसान सिर्फ नहाया नहीं है, मेरे बच्चे भी आज रेडी हो गए जल्दी जल्दी। आ गए मेरे बच्चे, ये रहा मेरा डुगलू, ये रहा मेरा मिन्नडू, ये आया था पापा के बर्थडे के दिन। तू कब आया था, तेरा कोई अता पता नहीं है बाबा। मम्मी और मैं सुबह के 6 बजे से उठ के उसकी फेवरेट खाना बना रहे थे, क्योंकि भगवान जी को भोग भी चढ़ाना था, सिद्धांत का भी थोड़ा वो पूजा वगैरह करना होता है उस, मतलब बर्थडे के दिन पे, उसके बाद उससे भी खाना है, तो उसका बर्थडे है तो उसके फेवरेट खाना बनाना था। पर जनाब हमारे उठे 11 या 12 बजे, हमारा पूजा भी उसी वक्त स्टार्ट हुआ 11-12 बजे तक। फिर डुगुमिनी भी आके सीट लेके बैठ गए, मम्मी ने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये सब आता नहीं है, तो उसमें चंदन सिंदूर और वो चावल को थोड़ा लगाना पड़ता है, फिर उसकी आरती करना पड़ता है। भगवान जी की पूजा हो गई थी, फिर उसका फेवरेट काकरा और खीर बना था, उसे बहुत पसंद है खीर, तो वही उसने भी खा लिया लिया, तो हमने भी यमी सा ब्रेकफास्ट कर लिया टेस्टी वाला। अच्छा सुनो, हेलो। हाँ। आज तो तुम्हारा बर्थडे है। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, भगवान की मतलब भगवान की कृपा से ऐसी दिमाग खाने वाली बीवी मिल गई, और ऐसा आज तो और, इंसल्ट मत करो यार, तुम्हारी डिजर्व नहीं करता गिफ्ट। मैं बेकार में आ गई, अपना लंच वंच बना रही थी आराम से, मैं बेकार में आ गई। बर्थडे मेरा है, बर्थडे मेरा है, बर्थडे मेरा है, तो तुम्हारा क्यों इंसल्ट ना करूं? इसलिए क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हारा इंसल्ट बनता है, मेरा इंसल्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है। ठीक है तमीज इंसान, मैं क्यों आ गई तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए? क्या कर क्या रहे हो? कुछ स्पेशल खाना है? नहीं कुछ नहीं, सुबह सुबह ना इस इंसान ने स्पेशल ऑलरेडी खा लिया है। क्या खा yes. रहे हो? उसको क्या बोलते हैं, उसको उड़िया में तो काकरा और सेवई बोलते हैं। यस सेवैया। हाँ अरे हिंदी में भी काकरा पिठा ही बोलते हैं, काकरा ही बोलते हैं, काकरा और सेवैया। सेवई कैसा लगा तुमने? एक मम्मी ने बनाया था, एक मैंने बनाया था। हाँ, तो जो सिवई जो बनाया था वो काफी अच्छा था, मिसेस कोटा ने बनाया था सिवई, और माँ और काकरा तो आज यूजुअल मम्मी बहुत अच्छा बनाती अच्छा है, तो बना वो तो बहुत अच्छा बना था ही। ओके अभी लंच में भी तुम्हारे लिए स्पेशल है। क्या है? क्यों बताएं? मत बताओ, भाड़ में जाओ। देखो बर्थडे के दिन भी मुझे भाड़ में भेज रहे हैं। 2 hours later सिद्धांत के बर्थडे की वजह से हम लोग आगे हैं इस्कॉन टेम्पल थोड़ा दर्शन के लिए, तो दिन में नहीं आ पाए, थोड़ा काम था इसलिए दिन में नहीं आ पाए, इसलिए इवनिंग का प्लान था, और इवनिंग अभी इस टाइम पे आए हैं, शायद हमें
वो संध्या आरती मिल जाए, बस मैं बस यही होप करती हूँ कि मुझे संध्या आरती देखनी है। तो चलिए देखते हैं मंदिर, पता नहीं मंदिर के अंदर फोन वगैरह अलाउ होगा भी या नहीं, होप कि हो। महीने या दो महीने से हम लोग प्लान करे थे इस्कॉन जाएंगे इस्कॉन जाएंगे, पर बोलते हैं ना कि भगवान जी का बुलावा ना आए तो आप कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। सडनली सिद्धांत आके आज ही मुझे बोला कि चलो कहीं कुछ मंदिर पे घुमाते हैं। फिर उसने ही ये आइडिया दिया कि चलो इस्कॉन चलते, तुम बोल रहे थे घूमने के लिए। मैं सेकेंड टाइम जा रही थी इस्कॉन, पहले मैं ओडिशा में या तिरुपति जो गए थे, हाँ याद आया, हम तिरुपति में लास्ट गए थे इस्कॉन। और यहाँ पे देखिए मुझे वेरी क्यूट सा फ्रेंड मिल गए थे, और ये मंदिर इतना अच्छा था और भीड़ काफ़ी था, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम शांत प्लेस था, नहीं बहुत भीड़ था, पर वो भीड़ के बीच भी बहुत सुकून मिल रहा था। और ये काली दलन मैंने देखा तो मुझे ना गूज़बम्प्स आ रहे थे रियली, जैसे मतलब हम दोनों ने तो काफ़ी अच्छे टाइम वक्त बिताए हैं साथ में, पर ये बेस्ट था मेरे लिए क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं भगवान जी के मंदिर पे एक या दो घंटे बैठी थी वहाँ पे। मैं जैसे जाके अंदर एंट्री की मुझे लग रहा था शिट अब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, पर जब मैं पूछी एक इंसान को कि क्या मैं कर सकती हूँ रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करते ही प्रभुपाद जी के दर्शन हो गए, मतलब एकदम मैं खुश हो गए उन्हें देख के। ये प्रभुपाद जी का आसन था, उसके सामने राधा कृष्ण जी थे, उन्हें तो देख के मैं खुश हो गई, पर मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि मैं जगन्नाथ जी को देखूंगी। मतलब लास्ट में पुरी में देखी थी, मतलब मेरे जो घर के सामने मंदिर है पुरी जगन्नाथ धाम में, तो वहाँ पे तो मैंने जगन्नाथ जी को देखा था लास्ट टाइम। मैं बहुत याद कर रही थी कि कब देखूंगी उन्हें, आज मुझे मिल गए वो। मतलब सिद्धांत और मैं दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे कि मिल गए फाइनली। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा जप कर रहे थे भगवान जी के नाम का, और इसी वक्त ही मतलब हम जाके एंट्री किए मंदिर में, और वो होते ना क्या बोलते हैं उड़िया में इसे पहाड़ बोलते हैं, वो बंद हो गया था सब कुछ, आरती के टाइम हो गया था। फिर हम लोग निकल पड़े, थोड़ी आगे एक मंदिर था उसके सामने ये दो लेडीज़ थे जो हमें बोले कि आप लोग जप करना चाहोगे हरिनाम लेना चाहोगे, हमने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर हम लोग हरिनाम ले लिए, और जैसे ही हरिनाम ख़त्म करके आए यहाँ पे दर्शन मिल गए मुझे, आरती मिली, मतलब एकदम सुकून वाली आरती। ऐसे हम लोग खड़े थे और कब समय चला जा रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर वहाँ से ख़त्म करके हमें कुछ किताबें लेनी थी, भगवद गीता हमने लिया और कुछ किताबें लेके घर आ गए थे। हमें इस्कॉन से रिटर्न करते करते पूरा 9 बज चुके हैं, और अब मैं डिनर बना के आ गई, हमारा अभी चल रहा है क्ल्यू छुपाने का, ये काम भी अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल था कि कुछ नहीं हो पाया है। अभी जल्दी जल्दी से ये सब ख़त्म करना है, फिर डिनर के बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रेजर हंट गेम। मैं भूल भी जाती हूँ, मतलब इतना बिजी हूँ मैं कि खैर ये सब हम बाद में बात कर लेंगे, अभी चलिए ये सब हाइड करने का टाइम आ गया है। मैं सोच रही हूँ पहली जो चीज़ हाइड करूँगी जाके वो सबसे लास्ट वाली गिफ्ट है, क्योंकि वो मुझे बाहर कहीं पे हाइड करना है, तो इसलिए तो पहले चलिए वो मैं हाइड कर लेती हूँ, ये सब तो घर पे 2 मिनट में कर लूँगी। सिद्धांत का गिफ्ट हम छुपा रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता। अरे इस वाले में छुपाना, ये वाला, हाँ अंदर अंदर मत डाल, थोड़ा सा बाहर करके पता चलेगा। अब ये वाला जाने वाला है उसकी गाड़ी में, उसको कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ पे रखूंगी। ओए क्या देख रही है? कहीं वो लोग देख तो नहीं रहे? अरे भाई रूम में है ना। अरे उसका क्या, वो कहीं पे भी टपक जाएगा ऐसे देखने के लिए। कहाँ पे छुपाया दिखा तो दे। गाड़ी की सीट के नीचे नीचे, ठीक है। ओके क्लू 1। ये पढ़ भूले तो पढ़ो। फॉलो द क्लू फॉर अ गिफ्ट टू यू। The first one's easy. It's in your shoe. चलो। ये gift के साथ और एक clue है। This one easy. Just a
take a look. You will find the next clue on my favorite book. Make cupcakes and cook hot food too. A hot place in the kitchen calls a clue. You are find clue by feeling bored. Now go to the place that needs food really bored. There's a clue for you to claim behind a photo or picture frame. I have the poster at least very close. Try the next clue. But cover your nose. The next clue is easy. Same if you go to place where you go to get clean. This isn't wild goose. Chase if you go to place where you can see your own face. अच्छा अब बताओ, जितना भी सारा गिफ्ट है उसमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? सबसे पहले तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि मिसेस कुलाल ने क्या क्या लाया है। कुछ क्या जरूरत है यार इतना खर्चा करने की। शट अप, इसको देखो, ये मेरी मुशड़ी। ओके, सबसे पहला तो ये टी शर्ट विच इज ओके। ये मेरे जिम के लिए, मैं जिम शुरू करने वाला हूँ उसके लिए जिम का एक ट्रैक पैंट, एक गॉगल्स, एक इसको क्या बोलते हैं पर्स, वॉलेट, एक बेल्ट, ये मेरा एक मिनिएचर, ये मेरा फेवरेट है, ये सिद्धांत है ये सिद्धांत है, बट मेरे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। हाँ, क्योंकि तुम अभी थोड़े से मोटे हो गए हो। हाँ, वो तुम्हारा पतला वाला है। ये पतला वाला वर्जन है मेरा। मिनी एक सेकंड रे बाबा, एक सेकंड। और ये परफ्यूम का बेलावेटा का, बेलावेटा का कलेक्शन, ये बहुत अच्छा है। बाय द वे मैंने चारों के चारों स्मेल किए और बहुत अच्छा है चारों के चारों। और ये एक क्यूट सा कार्ड, आई लव यू, यू विल ऑलवेज फॉरएवर बी माय ऑलवेज। Always forever be my always. I just can't. Thank you. Miss you, hug you, love you. Or mera sabse favorite to yehi hai re mama. Itna sab ho gaya, yehi sabse mera favorite hai. To my husband, main se padhta bhi hun, theek hai. I fell in love with you and realized that you are the one that I was meant to spend my life with. I could see it in your eyes. I could feel it in my heart. You are the most incredible man I have ever known. You are the love of my life, my best friend, my soulmate, and my everything. I love you with my whole heart, forever and always. Thank you. एक गिफ्ट तो दिखाया नहीं मैंने। हाँ, वो सू ना, एक मिनट। हाँ। मिसेस कोलर ने मुझे सिर से लेकर पैर तक गिफ्ट दिया है। हाँ, मेरा तो वही प्लानिंग था। अरे मैं तुम्हें। और ये पैर वाला गिफ्ट है। Exactly. ये थोड़ा डिफरेंट है, ये स्टाइल कभी सिद्धांत पहनता नहीं है, इसलिए मैं उससे गिफ्ट कर दी। मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये वाला स्टाइल, बट अब ट्राई करेंगे। आ गया मेरे पास अभी। हाँ, तो मेरा गिफ्ट देने का प्लान यही था कि मैं जो भी दूं वो उसे यूज करे, ऐसा नहीं कि कहीं साइड पे लेके फेंक दे। बस दो ही चीज है, वो जो माई हस्बैंड वाला और वो कार्ड, वही दो चीज है जिसे वो यूज नहीं करेगा, बस साइड में कहीं रख देगा, और वो मिनिएचर। बाकी सारा चीज है जो वो रेगुलर यूज करेगा। तो ऐसे गिफ्ट देना भी चाहिए, मतलब मेरी थिंकिंग यही है कि जो भी गिफ्ट हो वो इंसान यूज करना चाहिए, ना कि साइड में लेके रख दे। तो मेरा बर्थडे खत्म हो गया यार, एकदम एकदम एंड में ये सारे सरप्राइजेस दे रही है मुझे।
बट ऑफकोर्स मतलब आधा दिन तो मतलब आधा दिन नहीं, 4-5 घंटे तो हमारा इस्कॉन मंदिर में ही चला गया जैसे कि आपने और देखा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, मेरा प्लान यही था कि मैं इवनिंग में ये सब करूंगी, पर इवनिंग में भी हम कहीं अच्छी जगह पे थे ना, एक्चुअली अच्छी जगह बहुत अच्छा लगा, मतलब बर्थडे के दिन पे इस्कॉन मंदिर गए। और मैं एक्चुअली मतलब मैं पुरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक्चुअली जगन्नाथ जी को मिस कर रहा था, तो इस्कॉन मंदिर पे राधा कृष्ण जी के साथ जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्रा जी भी मिल गए, मुझे तीनों मिल गए, तो हम बहुत खुश है। और हमने तो आज एकदम चैंटिंग किया था, इतना सुकून मिला मुझे, मैं चाहती थी कि इसको लेके जाऊं एक बार और लेके, और ठीक है अभी बहुत रात हो गई है, अब हम ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मेरे में तो पेशेंस भी नहीं है बैठ के कुछ बोलने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।